नमस्कार, बिग बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं मनीषा कौशल। शारदा एक्ट जैसे कड़े प्रावधान के बाद भी देश में बाल विवाह को रोका नहीं जा रहा है। ताजा मामला राजस्थान से आया है, जहां आज भी बाल विवाह हो रहा है। कैसे हुए, क्यों हुए, किसकी शय पर हुए, प्रशासन क्या कर रहा था, आप सोचते रह जाइए, सवाल तलाशते रह जाइए, लेकिन जवाब में क्या हल निकलेगा इसका पता नहीं चलेगा। करेंगे चर्चा इसी बात पर। हम 21वीं सदी में बाल विवाह के बारे में जागरूकता बढ़ी है। सभी बच्चों को अपने मताधिकारों से रूबरू कराया जाता है। लोगों को पता है कि अगर कहीं बाल विवाह जैसी घटना हो रही है तो इसका विरोध करना चाहिए और तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए। लेकिन तब भी ये जघन्य अपराध क्यों हो रहा है? क्या हम अभी और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है? क्या बाल विवाह मजबूरी है और क्यों हम इस कुरीति को खत्म नहीं कर पा रहे हैं? शुरू करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में आखा तीज पर हजारों शादियां हुई और सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित हुए, लेकिन गुपचुप या कहीं कहीं फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कई बाल विवाह भी आयोजित हो गए। धौलपुर में ऐसे ही प्रकरण सामने आए हैं, जहां महिला कल्याण अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर दो बाल विवाह रुकवाए हैं। फर्जी मेडिकल लगाकर नाबालिगों का विवाह करवाया गया है। जिला प्रशासन की नाक के नीचे हुए बाल विवाह को रोकने के लिए जहां महिला कल्याण अधिकारी ने अकेले पहुंचकर बाल विवाह रुकवाए, तो वहीं दूसरी ओर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने बाल विवाह को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से एनजीओ को सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए 18,000 रूपए प्रति जोड़े के लिए अनुदान राशि दी जाती है। सामूहिक विवाह सम्मेलन को चेक करने के बाद महिला कल्याण अधिकारी कर्णप्रिया कौशिक को रीको के जंगलों में छायांकन जन चेतना एनजीओ के 25 जोड़े के सामूहिक विवाह सम्मेलन में ज्यादातर बाल विवाह कराए जाने की खबर मिली। जब महिला कल्याण अधिकारी मौके पर पहुंची तो कई जोड़ों की शादी हो चुकी थी। जब आयु संबंधी दस्तावेज देखे गए तो मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी निकले और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही सभी जोड़े और एनजीओ के सदस्य फरार हो गए। प्रशासन की जानकारी में मामला होने के बाद भी ना तो पुलिस ने ही इसमें कोई ठोस कदम उठाया और ना ही जिला प्रशासनिक अधिकारी मामले को लेकर गंभीर दिखे। जिले में कई जगह एनजीओ द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें कि हमें एक गुप्त सूचना से ये पता चला कि छायांकन जन चेतना जो एनजीओ है वो एक सामूहिक विवाह करवा रही है, जो की औरेला रोड स्थित हनुमान मंदिर के पीछे कराया गया, जिसमें कि हमें यह सूचना मिली थी कि 14 वर्षीय एक बालिका का बाल विवाह कराया जा रहा है, जिसे कि हम रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचे और हमने जाकर वहां पे मौके पर जाने के बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा और उसके बाद हमें कई ऐसी बच्चियां मिली जो बाल विवाह जिनका होने जा रहा था और हमने मौके पर कार्रवाई करवाई। ऐसा ही प्रकरण नागौर के ऊंटवालिया में सामने आया, जहां बाल विवाह की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया और तुरंत पुलिस के माध्यम से परिवार को पाबंद कराया। गांव के एक व्यक्ति ने अपनी 4 पुत्रियों का बाल विवाह करवाया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो परिवार से सारी जानकारी ली गई, जिसके बाद परिवार से लिखित में लिया गया कि वो बाल विवाह नहीं करवाएंगे। इसी तरह टोंक के उनियारा कस्बे में अक्षय तृतीया के मौके पर शादी विवाह की धूम होने पर प्रशासन और पुलिस ने ककोर और नयागांव में 3 बाल विवाह रुकवाते हुए उनके परिजनों को पाबंद किया है। वहीं प्रदेश बीजेपी ने बाल विवाह की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि कांग्रेस राज्य में ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है और पुलिस प्रशासन के साथ ही सरकारी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मैं बाल विवाह के विरोध में हूँ, लेकिन राजस्थान सरकार विरोध में नहीं है। राजस्थान सरकार के जो अपराध हैं वो अक्षम्य हैं, बाल विवाह हो रहे हैं और राजस्थान की सरकार पर फिर कहूंगा कान पे जू नहीं रहूंगी। और एक समाज कल्याण के अधिकारी या एक कोई सोशल अधिकारी पहुंचा भी कोई महिला, तो उसको कौन करने वाला है? काम तो पुलिस प्रशासन का है, काम तो तहसीलदार SDM का है, तो अब आपको सरकार छोड़ करके लंगोट बांध करके किसी कंदरा में, हिमालय के कंदरा में चले जाना चाहिए। अरावली पर्वत श्रेणी भी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि राजस्थान अरावली पर्वत श्रेणी ने आपको क्षमा करने योग्य रखा नहीं है।
उधर कांग्रेस ने बाल विवाह की घटनाओं को पुख्ता तरीके से रोके जाने की बात कही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल सिंह इड़वा ने कहा है कि वो खुद ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां कभी बाल विवाह हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसी घटनाएं न के बराबर हैं और कहीं कहीं अपवाद स्वरूप ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उन पर भी पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता कार्रवाई की जा रही है। ऐसी घटनाएं समाज में अब स्वीकार्य नहीं है। बहुत ज्यादा कानूनी रूप से बंदिश भी है। सामाजिक दृष्टिकोण से प्रति वर्ष एक विभाग सरकार का हमेशा जागरूकता फैलाता है और अब ये कुरीति करीब करीब खत्म हो गई है। कोई कभी कभी ऐसा हादसा होता है। कोई जमाने में मेरे नागौर जिले में सगाई जब होती थी उसको भी इसको शादी का रूप देते थे और फिर जब उनका मुखलावा कहते थे हमारे वहां उस मुखलावा को शादी कहते थे, लेकिन अब लोगों न तो वो सगाई करते हैं न मुखलावा करते हैं, अब वो भी शादियां करते हैं। तो कम से कम हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो परंपरा वर्षों से सामने नहीं आ रही। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने कहा कि करीब आधा दर्जन विभागों के साथ ही तमाम संस्थाओं एनजीओ के माध्यम से ऐसी घटनाओं को प्रदेश में रोका जा रहा है। बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है और राजस्थान में अभी भी अक्षय तृतीया के दिन कुछ बाल विवाह होते हैं। हालांकि पिछले वर्षों में और अब में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है और इसमें सभी का योगदान है। इसमें मुख्य रूप से तो जनता का, जनप्रतिनिधिगण है, अधिकारीगण है, जो सभी विभाग हैं, जिला कलेक्टर्स हैं, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, आईसीडीएस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, महिला और बाल विकास विभाग है, ये सब मिलकर के प्रयास करते हैं। पर अभी भी कुछ केसेस इधर उधर छुटपुट केसेस गांव में हो रहे हैं और मैं समझता हूँ एक ऐसी सामाजिक कुरीति है, इसको पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के कानून, किशोर न्याय अधिनियम और बालकों के संरक्षण एवं अधिकार पीड़ित पर्रिकर स्कीम 2011 के तहत बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बाल विवाह करवाने वाले ही नहीं बल्कि उसमें शामिल होने वाले भी अपराधी होते हैं। ऐसे में बाल विवाह करना कानूनन जुर्म है। जानकारी होने के बावजूद प्रदेश में इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये मानवाधिकारों और बाल अधिकारों का भी बड़ा उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से बाल विवाह आज भी किए जा रहे हैं। 21वीं सदी आ चुकी है, अब इस तरह के मामलों पर पूरी तरीके से रोक लग जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद गांव में, कस्बों में कई जगह इस तरह के मामले सामने आते हैं। और सवाल यह है कि इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं जबकि कानून बनाए जा चुके हैं, सख्त कानून बनाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बाल विवाह कराए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो विवाह कराने वाले हों, चाहे वो बैंड बाजा बारात वाले हों, चाहे नाई हो, धोबी हो, जो भी हो, इस बाल विवाह में जो शामिल होते हैं वो भी उतने ही इसमें आरोपी होते हैं जितना कि माँ बाप होते हैं जो बाल विवाह कराते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, बाल विवाह क्यों नहीं रुक पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और आज के हम अपने इस बिग बुलेटिन में इसी सवाल को उठाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विमल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। विमल जी स्वागत है आपका। शील धाबाई बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र सिंह शेखावत पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और मानचंद खंडेला जी विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी मानचंद खंडेला जी, सवाल वही, क्यों बाल विवाह नहीं रुक रहे हैं, इतना कड़ा कानून बना हुआ है लेकिन क्रियान्वित क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए आप जरा ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से आप सुनना। अभी अभी चुनाव संपन्न हुए और 70 लाख की सीमा थी, एक भी प्रत्याशी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उन्होंने इसकी पालना नहीं करी। जब ये हमारे सामने दृश्य होता है तो जो कानून बने हुए हैं वो कानून बनने वाले क्या समझते हैं कि हमारी परंपरा पहले है, हमारी संस्कृति पहले है, हमारी परेशानियां पहले, हमारी मजबूरियां पहले और हमारी मान्यताएं पहली हैं। अब सवाल आ रहा कि इनके ऊपर कानून है तो कानून वास्तव में अगर सख्ती के साथ में सब जगह लागू किए जाते हैं जब तो ये भी होंगे। एक बात तो मैं ये कह रहा था, दूसरी बात अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बाल विवाह आखिर होते क्यों है। देखिए अभी आपने बताया अपने विजुअल में कि 4 बच्चियों की एक साथ शादी करवा रहा था, ठीक है। दूसरी बात यह हुई कि साहब बच्चों की शादी 4 क्यों करवाना चाह रहा था, क्योंकि वो एक एक बार शादी करने की आर्थिक स्थिति में नहीं है। दूसरी बात हमारे यहां पर यह माना जाता है कि साहब कन्या जो है वो हमारी धरोहर है, अगर दूसरे घर पर पहुंचा दें तो हमारा वास्तव में नैतिक दायित्व तो, सामाजिक दायित्व तो पूरा हो जाए। और वो कब कन्या को पहुंचाना चाहते, रजस्वला होने के पहले पहले।
अब ये मान्यता है, गलत है, सही है, इसके बारे में अगर दूसरी बात है, लेकिन इस कारण से भी होता है। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने कहा बहुत अच्छी बात बताई उसमें कि बच्चियों को और बच्चों को जो है वस्तु विनिमय के रूप में शादी हो रही है, यानी इस घर के दो बच्चे हैं वो उस घर की दो बच्चियों के साथ में शादी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक तो ये होता है कि मुद्रा कम लगती है, दूसरी बात ये होती है कि उनको ये लगता है कि मेरी बच्ची वहां जाकर सुरक्षित होगी, वो उसके लिए करेगी, वो उसके लिए करेगी। तीसरी बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो बच्चियां हैं वो अभी एक बात आपने कही थी कि मुकरा वाली बात, वो मुकरा वाली बात अभी भी है, यानी जो होती है उसको अगर हम हमारे यहां पर क्या कहते हैं, क्योंकि जो इलीट क्लास में उसको देखिए इलीट क्लास जो है उसमें प्री वेडिंग स्टार्ट हो रहा है और वेडिंग के पहले यानी सगाई के पहले भी क्या क्या होना चाहिए उस पर बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कुरूति क्यों नहीं है, इस पर कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर मान लो इस पर कानून नहीं बन रहा है तो उस कानून का पालना कैसे कोई करेगा? उसके बाद में फिर क्या होती है, आपके यहां पे सगाई होती है और उनके यहां पर क्या होता है, वहां पर भी यही होता है और उसके बाद में मुखलावा होता है। और अब सवाल है कि आप उसको नाम कुछ भी दे दो लेकिन प्री वेडिंग को तो आप जो है बर्दाश्त करेंगे, और जो कुछ बाल विवाह के नाम पर हो रहा है जो गलत है 100%, उसमें कोई बात नहीं है, कानून है, सही बात है, और लेकिन सवाल उस पर बर्दाश्त कर, एक बात तो यह है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अब जो है जो आप जो वातावरण बना रहे ना उस तरह का वातावरण वास्तव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मैं समझ रहा हूं कि बच्चियां अपने आप ही सक्षम हो रही हैं, जैसे जैसे उनकी दर बढ़ती जा रही है साक्षरता की या शिक्षित होने की या स्कूल जाने की या अवेयरनेस होने की, मैं समझता हूं कि वो ज्यादा जो है प्रतिवाद करने लगे। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, अब अभी पिछले एक दो चार साल में ये अलग बात है कि एनजीओ को जो है हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया और करना भी चाहिए, जो गलत काम कर रहे थे उनको करना भी चाहिए, लेकिन एनजीओ ने वास्तव में इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं कई एनजीओ से संबंधित हूं, एनजीओ ने वास्तव में इसके संबंध में बहुत सारी अवेयरनेस करी है और वहां जाकर जो कर रहे हैं ना सरकारी जो है ना वो उनका प्रचार होता है कि प्रचार माध्यमों में, जिससे कि वहां तक पैसा पहुंच जाए यानी चंदा पहुंच जाए मेरे हिसाब से, और वो जो एनजीओ वाले हैं वो गांव गांव जाकर डाणी डाणी जाकर और वास्तव में इसके लिए वो अलग जगा रहे हैं। ये बात अब सवाल यार इसके बावजूद भी ये सारी बातें क्यों हो रही है? अब देखिए अभी आपने कहा था कानून ये कहता है कि सारे के सारे जो लोग हैं संबद्ध लोग वो इसमें कल्पित होंगे, और अभी आपने विजुअल में क्या बताया कि जिन चार लड़कियों के यहां पर शादी हो रही थी उनकी समझाइश की गई, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शादी हो जाएगी जब उस कानून लागू होगा, है ना? जैसे हमारा एंटी करप्शन, मैं आपको बता रहा हूं एंटी उदाहरण उदाहरण के रूप में दिया जाना चाहिए, एंटी करप्शन का मतलब क्या होता है, करप्शन के एंटी उस पर रोकने का प्रयास करें, आप एंटी करप्शन विभाग में चले जाओ वो कहेंगे का वारदात हुई, अब एंटी करप्शन विभाग कह रहा वारदात हो जाने दो फिर हम कार्रवाई करेंगे, वैसे ये है वारविया हो जाने दो फिर हम कार्रवाई करेंगे। एक बात अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो वहां के अभी आपने कहा वहां के नेता भी हैं, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, एनजीओ वाले भी हैं, इन सबसे पूछते क्यों नहीं आप एनजीओ वाले को कहना लेकर जी? अब हम राजेंद्र सिंह से सवाल लेना चाहेंगे। राजेंद्र जी आप पुलिस अधिकारी भी रहे हैं और इस पूरे मामले को आपने देखा है, बहुत सारे आपने बाल विवाह रुकवाए भी हैं, क्या लगता है आपको क्यों नहीं असर जा पा रहा है और जो सिस्टम है वो क्यों फेल हो रहा है? मनीषा जी इसका कारण है कि पुलिस के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा ढांचा नहीं है, इतने आदमी नहीं है, पुलिस के पास में पहले से ही बहुत ज्यादा काम है, बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना है उसमें इसको बहुत सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं, पहले जो शारदा एक्ट था वो तो कोग्निजेबल भी नहीं था, नॉन कोग्निजेबल था, अब इसको कोग्निजेबल भी बनाया है, पर इसमें जो सबसे बड़ी समस्या इन्फॉर्मेशन की है, रिमोट जो गांव है उनके अंदर से इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ पाती, अब पुलिस स्टेशन पे 25 आदमी है और गांव 100 है, कैसे पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? तो पुलिस का मुखबिर सिस्टम है वो कमजोर हो चुका, पुलिस का राजेंद्र जी आप कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी? अभी जब आखा तीज पर इतने सारे बाल विवाह हुए और ये भी शिकायतें हैं कि पुलिस पुलिस को बताया गया कि ये चीजें हो रही है लेकिन उसके बावजूद टीम मौके पर नहीं पहुंची और आप कह रहे हैं कि मुखबिर की कमी है? नहीं, ये दरअसल में सही है, अगर कहीं पे पुलिस नहीं पहुंची सूचना के बाद तो वो तो लापरवाही है, हाँ। उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर जो मास स्केल पे अभी भी इस तरह के जो बाल विवाह हो रहे हैं उसका कारण इन्फॉर्मेशन की कमी है। हमें समाज में सुधार करने के साथ साथ हमारे जो समाज के दूसरे लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के पार्षद हैं, सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी इसमें जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि ये
पार्षद के अगर इलाके के अंदर इस तरह की घटना होती है तो उसको पार्षद को भी इसका सह अपराधी बनाना चाहिए, क्योंकि उसे सूचना क्यों नहीं दी, उस इलाके में रहता है। और ये कोई ज्यादा गुपचुप तरीके से तो होती नहीं है, शादियां होती है तो गांव के अंदर खुले तौर पर ही होती है, तो उसके लिए उसको जिम्मेदार बनाना चाहिए। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे ना, तब तक समाज की जिम्मेदारी सरकार के तहत है, जो प्रशासनिक लोग हैं उन्हें इसमें कदम उठाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। ये आपकी गवर्नमेंट है लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए मनीषा जी, स्थिति यह है कि बाल विवाह में कमी तो आई है लेकिन इसकी जागरूकता पूर्ण रूप से हो नहीं पाती। जो एनजीओ है वो खुद इसमें शामिल हो जाते हैं। विमल जी, कमी कहां आ रही है? कमी शहरी इलाकों में आई है, शहरी इलाकों में नहीं होते लेकिन ग्रामीण इलाकों में, गांव में, कस्बों में, ग्रामीण इलाकों में जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, वहां तक वो संदेश पहुंच ही नहीं पाता। दूसरी बात मैं बताऊं, इस बार की बात, 6 तारीख को पुलिस व्यवस्था इसलिए नहीं पहुंच पा रही होगी या कोई जानकारी नहीं होगी कि 4 दिन से पूरा प्रशासन चुनाव कराने में राजस्थान में लगा हुआ है, व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी। जैसा कि अभी राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि वहां पर हमारे पास में जाप्ता ही नहीं है, जाप्ता तो सारा लगा पड़ा चुनाव के अंदर, कैसे होगा ये काम? तो इसके लिए आखाती किसी को बता के तो आती नहीं, एक निश्चित तारीख होती है और उसी निश्चित तारीख को चुनाव था। अब बताइए, आप गांव के अंदर जा रही थी, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि खंडेला जी ने कहा, इस प्रकार की प्रक्रिया में जो भी शामिल हो उसका दंड मिलना चाहिए। और दंड आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी कोई बड़ा सख्त दंड मिला हो, केवल जैसे बता रहे थे समझाइश कर दी। आपने आज तक बताया कि कई तरह के एक्ट हैं, आप उसके अंदर आज तक किसी को सजा ही नहीं मिली, सजा नहीं मिली तो लोगों में डर कहां से पैदा होगा? केवल एक समझाइश करना चाहते हैं और समझाइश का वही तरीका है कि आप गांव गांव डाणी डाणी में शिक्षा के माध्यम से, यही तो बात है, जब तक लोगों में डर नहीं होगा वही काम होता रहेगा। और ये प्रशासनिक अधिकारी सरकार करेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार को करना चाहिए, जिसकी भी सरकार हो डर होना चाहिए, जनता में भय होना चाहिए कि हम गलत काम करेंगे उसका दंड मिलेगा हमको। हाँ तो सरकार भय क्यों नहीं बना पा रही है, ये भी तो सवाल सरकार से ही उठेंगे ना। मैं आपको बता रहा हूं ना कि अब की बार देखिए ना, पिछली बार तो मुझे पता नहीं, लेकिन 6 तारीख को डर कहां से हो? पुलिस तो है ही नहीं ना, अपराध हो रहे हैं, पुलिस तो सारी चुनाव व्यवस्था में लगी पड़ी है 11 दिन से 20 दिन से, कभी यहां जा रही है कभी वहां जा रही है। आप चोरी हो जाए तो थाने के वाले उनको अभी रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वहां है ही नहीं, वहां पर कोई सारे नफरी लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अब आप बताइए, ऐसे के अंदर आखा तीज आती है तो कौन व्यवस्था देगा? सरकार तो नहीं दे पा रही है ना, पुलिस प्रशासन नहीं दे पा रहा है। सुशील जी, अगर चुनाव हो तो ऐसे में बाकी चीजें कुछ भी हो जाए, बाकी कुछ भी असर हो उसका, चुनाव में सारी पुलिस फोर्स सारे लोग लगे हुए हैं, उसके अलावा चाहे बाल विवाह हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए कि 6 महीने पहले कांग्रेस के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता बहुत छाती चौड़ी चक्कर करके कह रहे थे कि वसुंधरा सरकार ने कानून लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म कर दी, इन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम नारी सुरक्षा देंगे, आर्थिक सुरक्षा देंगे, सामाजिक सुरक्षा देंगे। लेकिन आप 6 महीने के अंदर जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ रही है, अभी जिससे विमल जी अभी कह रहे थे कि 6 तारीख को प्रशासन उसमें लगा हुआ था, 6 तारीख के पहले की घटना अलवर में जिस तरह से दुष्कर्म हुआ है उस टाइम के उस दिन के चुनाव आप अपनी सरकार के लिए देखो ना, वहाँ क्या हुआ बाड़मेर में, जैसलमेर में क्या हुआ, और इस 6 तारीख में प्रशासन की असफलता के साथ ये चीजें होती हैं। ये कह रहा हूँ इसको रोका कैसे जाए, इस पर बात होनी चाहिए। कैसे बच सकते हैं ये? नहीं, आप डेल्टा के सामने बच सकते हैं, कहाँ बच रहे हैं? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इस पूरे मामले का समाधान नहीं निकलेगा। सिर्फ हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा पा रही है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रही हो। पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी बाल विवाह होते थे, अब कांग्रेस की है तब भी बाल विवाह हो रहे हैं, तो रोका क्यों नहीं जा पा रहा है? क्या किया जा सकता है, क्या बदलाव हो सकता है सिस्टम में? क्योंकि कानून तो बना हुआ है, उसके बावजूद
कुछ नहीं हो पा रहा है, रोका नहीं जा पा रहा है, दूसरे के मन की बात सुनने की आदत नहीं। जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, वहां की एसडीएम की है, वहां की कलेक्टर की है। जब पता है एक आखा तीज ऐसा त्योहार है, इसमें होती ही होती है, बाल विवाह होते ही होते हैं, तो उसकी पहले से पूर्व तैयारियां कर लेनी चाहिए। लोगों को आज कई बार पुलिस भी देखा है कि पुलिस भी को पता होते हुए भी मुंह साइड में करके निकल जाते हैं, कभी वो सामाजिक सरोकार निभाते हैं, कभी राजनीतिक सरोकार निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत का खेल तो है ही। और मैं समझती हूँ एक सामाजिक चेतना की भी इसमें जरूरत है, क्योंकि जब चार चार बेटियों का विवाह होता है तो सरकार ने सामूहिक विवाह के लिए एक परिवार को पैसे देने की व्यवस्था कर रखी है, एक समझाइश की व्यवस्था कर रखी है, और जो सामाजिक संस्थाएं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक जागरूकता की भी कमी है और लोगों में पुलिस का भय नहीं है। जो बाल विवाह अधिनियम 2006 की जो हम बात कर रहे हैं, उसको कठोरता से जब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक लागू नहीं किया जाएगा, मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो विवाह हो रहे हैं उन पर कंट्रोल मुझे मुश्किल लगता है, और ये सरकार को कमिट करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को कमिट करना पड़ेगा कि हमें प्रशासनिक दायित्व के अलावा जो सामाजिक जिस तरह के ये आयोजन हो रहे हैं उन पर भी अपनी निगाह रखनी पड़ेगी जी, और उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा जी। बिल्कुल विमल जी, क्या लगता है आपको जी कि चुनाव के बारे में कह के कि चुनाव था इसलिए पुलिस काम नहीं कर पाई, इसलिए बाल विवाह हो गए, क्या ये एक्सक्यूज सही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ये इस बार होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार की बात नहीं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से बाल विवाह हर साल होते हैं, और शीलजी भी कह रही है बाल विवाह होते हैं। मैं ये कह रहा था कि मैं दिख रहा था कि 6 तारीख को आका तीज है, आप 2 दिन आगे पीछे चुनाव करवा लेते हैं, ये इस बात में तो नहीं नाम आयोग ऐसा नहीं है ना, उसको भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं होता है। अगर चुनाव किसी के लिए हुआ पर इसका मतलब ये नहीं कि चीजें ध्वस्त हो जाएंगी, इतने लोग तो इसमें चुनाव में, अरे सरकार आपकी व्यवस्था तो आपको करनी है, कौन करेगा, तो दूसरे लोग आके करेंगे, डिमांड करते हैं बाहर से भी फोर्स आती है, तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करना तो आपका काम है, आपकी सरकार है। क्यों आप डेल्टा को क्यों भूल जाते हैं? आप डेल्टा को मुख्यमंत्री सवाल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मेरा सुनिए नहीं शील जी, मुझे सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि इस बात को स्वीकारिए कि हम अवेयरनेस नहीं कर पाते, कभी कभी गलती हो जाती है, इस समय चुनाव था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे पाए, लेकिन सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई, इस बात पर जोर होना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी आज 2 पकड़े गए, 4 पकड़े गए, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर पाए, इसकी मांग होनी चाहिए आज, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आज। मानचंद खंडेरा जी, विमल जी कह रहे हैं कि चुनाव था इसलिए सही से काम नहीं हो पाया, यानी ये एक तरह से सरकार का और सिस्टम का फेलियर है कि अगर चुनाव है तो वो बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मैं बात ही आपको देखिए, हर बार क्या होता है, हम मूल पर आघात नहीं करते। अब मैं एक बात आपके सामने कह रहा हूं कि सभी सांसद और सभी विधायक गांव गोद लेंगे तो सभी सांसद सभी विधायक सभी पार्षद सभी पंच सभी सरपंच इस तरह की बुराई करने की वो आप गोद क्यों नहीं लेंगे, और अगर बुराई दूर करने का आपने एफिडेविट दे दिया है तो आप पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप हर बार, अब पुलिस तो है ना, उतनी पुलिस है, अब एक जन थे उसकी 10 गुना पुलिस तो कर नहीं सकते आप। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसमें क्या बुराई है, चलिए अगर आप वहां से आते। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि साहब इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, मैं कह रहा हूं पन्ना प्रमुख और आपके जो ना कि क्या कहना चाहिए कि पोलिंग स्टेशन के जो हैं उस आधार पर आप एजेंट यूज करते हैं और 5-5 आदमियों को ये करते हैं वो, तो आप सामाजिक बुराई दूर करने के लिए उसी टीम को निरंतर लागू क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको खाली सत्ता चाहिए, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और ये खाली बातों के बतौले चाहिए, कितना गंभीर विषय है उसमें आप कह रहे हैं। अरे भाई बीजेपी के टाइम पे था, कांग्रेस के टाइम पे था, और दूसरा अगर हो गया उसके टाइम पे भी होगा, लेकिन उसको कम कैसे करें? कम करने वाली बात ना, ये 2 बात मैंने कही। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो हम ये कानून है, देखिए हमारे सामने हमारे यहां समस्या क्या है, कानून में जो है वो अपने आप में स्व विवेकाधिकार लागू कर देते हैं। अभी आपने बताया कि साहब उनको समझाइश करी, कानून में कहां लिखा हुआ कि आप समझाइश करो पकड़ने के बाद में, अगर कोई क्राइम हो रहा है या होता हुआ नजर आपको आ रहा है तो उसी प्रकार कार्रवाई करो जैसा कानून में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे यहां पर क्या होता है, हम देखते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन समाज का, पंच का, सरपंच का, पॉलिटिक्स का, अभी चुनाव हो रहे हैं उसका, हवा का, ये सारी बातें देख रहे हैं। अगर ये देखेंगे तो जरा वास्तव में नहीं होगा। अब मैं 1-2 सुझाव आपको ये देना चाह रहा हूं कि क्या किया जा सकता है जिससे ये हो। एक बात तो ये है कि आपको जो है शपथ
स्कूलों में गिरवानी चाहिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बड़े बच्चे हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो और चाहे कुछ भी हो। कि साहब ये वास्तव में क्राइम है, हम सफल देते हैं कि अभी भी हमारे यहां पर क्या होता है, ये धर्म का बहुत बड़ा है। एक बात मैं यहां कहना था, जो धार्मिक जो गुरु जिसको अपन कहते हैं, अब उनके बारे में नहीं मैं जा रहा कि उनके क्या कैरेक्टर है क्या नहीं, वो नहीं कह, लेकिन उनका प्रभाव है और जहां जहां भी इस प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं वहां पर आप शपथ दिलवाइए। किनको? जो माता पिता बाल विवाह करवाते हैं जी, उनसे आप शपथ दिलवाइए। और मैं कह रहा हूं एक एक जो है धार्मिक जो समारोह होता है उसमें करोड़ों रूपये भी खर्च होते हैं, तो अरे उन धार्मिक लोगों से ये कहिए कि आप उनकी सहायता करिए आर्थिक आधार के ऊपर, कि बच्ची जब तक पढ़ेगी जब तक हमारी जिम्मेदारी होगी, लेकिन आप बाल विवाह नहीं करोगे। अब मैं कह रहा हूं देखिए परिवर्तन कैसे नहीं होता है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, आप इसको मैं किस रूप में नहीं कहना चाह रहा हूं, कथा वाचन के लिए हमने 50 लाख रुपए खर्च किए एक बार कथा वाचन के लिए। अरे भाई कथा वाचन के स्थान पर महिलाओं के उद्धार के लिए करिए, बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं जिन्हें जागरूकता की श्रेणी में लाना चाहिए और लोगों तक ये बातें पहुंचानी भी चाहिए कि वो इन तमाम चीजों में पैसे जरूर खर्च करते हैं, लेकिन अगर बाल विवाह हो रहा है और अगर कोई परिवार इस वजह से बाल विवाह कर रहा है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इस पर जरूर लोगों को ध्यान देना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार बुक बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है और अब हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ ये चर्चा चल रही है। दरअसल बाल विवाह नहीं रुक रहे हैं, इन पर कोई प्रभावी तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है, शारदा एक्ट का असर नहीं हो रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शिकायत की जाती है, बाड़मेर में जब पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत की गई कि वहां के गांवों में बाल विवाह हो रहे हैं, उसके बावजूद बड़ी देर तक ना तो कॉल आई ये पूछने के लिए कि कहां बाल विवाह हो रहा है, ना ही कोई प्रशासनिक टीम अमला वहां पर पहुंचा बाल विवाह को रुकवाने के लिए। और इस सवाल का सीधे जवाब हम देंगे राजेंद्र सिंह शेखावत से। राजेंद्र जी, क्या वजह है कि बार बार शिकायत की जाती है, बार बार बताया जाता है लेकिन पुलिस नहीं पहुंचते हैं? जैसा कि विमल जी कह रहे थे कि चुनाव था इसलिए पुलिस नहीं पहुंच पाई, तो क्या सिर्फ ये सारे जो चीजें हैं उनको देखते हुए बाल विवाह जैसे जो सामाजिक कुरीति है उसको दरकिनार कर देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? मनीषा जी, आप ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, अगर सूचना मिलने के बाद पुलिस नहीं जा रही है तो ये तो पुलिस की कमजोरी है, पुलिस की लापरवाही है और घोर लापरवाही कह सकते हैं। आपको सूचना मिल गई उसके बाद कार्रवाई नहीं कर रहे हो, और सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन है उसको भी कार्रवाई करनी चाहिए, मॉनिटरिंग कर रहे जो अफसर है उनको भी इसमें एक्टिव होना चाहिए, वहां के जो राजनेता लोग हैं उनको भी एक्टिव होना चाहिए। अगर मान लो पुलिस भी लापरवाही करती है तो स्थानीय जो नेतृत्व है, आज बड़े बड़े राजनीतिक दल है उनके बहुत बड़े बड़े लीडर्स वहां पे काम कर रहे हैं, और जैसा अभी खंडेला जी ने कहा कि पन्ना प्रमुख तक बूथ प्रमुख तक काम कर रहे हैं, हर पार्टी का मंडल तक के स्ट्रक्चर है, हर पार्टी का अपने नीचे के लेवल तक स्ट्रक्चर है, तो वो लोग भी इसमें जागरूक हो सहयोग करें तो इस समस्या का, इस सामाजिक समस्या का, इस सामाजिक बुराई का हम अंत कर सकते हैं जी। अच्छा राजन जी ये बताइए कि राजस्थान में हमेशा आखा तीस से पहले अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों की बैठक होती है, आपस में बातचीत होती है कि कैसे इस बाल विवाह को रोका जा सके, क्योंकि वहां हमेशा आखा तीस पर बाल विवाह होता है और पहले से पता होता है कि ये चीजें होंगी, तो बैठक में क्या बातचीत होती है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है बाल विवाह को रोकने के लिए? ये हमारा दुर्भाग्य है मनीषा जी, इस तरह की कोई बैठकें होती नहीं है, इस तरह की कोई कार्य योजना भी नहीं बनती, न कोई इस तरह के बहुत ज्यादा इसको प्राथमिकता दी जाती, ये प्रायोरिटी पे ही नहीं है। ये तो सिस्टम में ये है कि अगर कोई सूचना आ जाएगी उसको हम रोकें, इसमें प्रोएक्टिव नहीं है पुलिस, पुलिस डिफेंसिव है, पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आएगी उस पर एक्शन करेगी, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो वो हो जाएगा उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसमें चालान हो जाएगा, इस अप्रोच से पुलिस काम कर रही है। तो ये सरकार का विषय है, जो भी सरकार है वो इसको प्राथमिकता पे ले, गृह सचिव है, गृह मंत्री है, आपके डीजी है, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो बैठे इसकी कार्य योजना बनाए सरकार के साथ बैठ के, और ये तय करें, ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय करें कि हमारे राज्य के अंदर एक भी बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बाल विवाह होता है तो उससे संबंधित अधिकारी है, चाहे वो एसपी हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे डीवाईएसपी हो, या नीचे का बीट कांस्टेबल है उसको भी लाइबल जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अच्छा राजेंद्र जी, खबरें इस तरह की भी आती है कि जब पुलिस को सूचना दी जाती है उसमें चार्जशीट दी जाती है, तो इस तरह का कोई ऑफेंसिव जिसको बोलते हैं ना, इस तरह की प्लानिंग अभी तक आज तक सरकार ने भी नहीं की है,
प्रशासन ने भी नहीं। राजेंद्र जी, खबरें इस तरह की भी आती हैं राजस्थान से कि कई बार ये कहा गया, बताया गया कि उस जगह पर बाल विवाह हो रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनके घर में जाकर के वो शादी रुकवाई जा सके। और सबसे बड़ी बात यह भी रही है कि कई बार जो शिकायतकर्ता ने ये बात बताई पुलिस को कि वहां बाल विवाह हो रहा है, उसका नाम भी सबके सामने बता दिया जाता है कि इसने शिकायत की, शिकायतकर्ता को भी परेशानी होती है और इस वजह से कई बार लोग शिकायत भी करने से बचते हैं। नहीं, बात सही कह रहे हो मनीष जी, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। बाकी ये जो भी पुलिस वाला जिसने कोई इन्फॉर्मर की सूचना को डिस्क्लोज किया है, लोगों को बताया है, तो उसने जो अपना पुलिस का दायित्व है, पुलिस का जो धर्म है, वो उसको नहीं निभाया, उसने उसके साथ अनाघात किया है। क्योंकि पहली बात तो सूचना आती नहीं है, कोई हिम्मत जुटाता है और पुलिस के अंदर सूचना देता है, और अगर उसका नाम समाज में उजागर हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी दुश्मनी हो जाती है, उसको लोग आगे टारगेट पे लेते हैं, उसके साथ फिर अन्याय भी करते हैं। तो निश्चित रूप से वो कोई भी पुलिस वाला रहा हो, मैं कहता हूं उसने अपने पुलिस धर्म का पालन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जब तक पुलिस में इस तरह की भावना पैदा ऊपर से होगी, सरकार की तरफ से होगी, जिला प्रशासन की तरफ से होगी, उनमें अगर नीचे के पुलिस वालों तक भी ये मैसेज हो कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं इस तरह का बाल विवाह होता है, तो फिर वो अपने आप ही सूचना को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। अभी कोई दबाव भी नहीं है, अभी तो इसको ऐसे लिया जा रहा है, हाँ भाई अक्षय तृतीया आ गई और हाँ भाई बाल विवाह होगा, जिला प्रशासन पोस्टर छाप रहा है, अखबारों में विज्ञापन दे रहा है, कुछ एक आध खाना पूर्ति के लिए कार्यशालाएं कर रहा है, एक आध इस तरह के पैम्पलेट्स बना के जनता में दे दिए। पर जब तक एक्शन नहीं होंगे, जब तक सरकार के कानून का डर नहीं होगा, तब तक लोग इसमें, मैं समझता हूँ, इसमें आगे नहीं आएंगे। कोई भी काम है वो जिसको अगर सरकार ने कानून की रूप दे दिया तो कानून को पालना करानी चाहिए या उस कानून को हटाना चाहिए। अगर ये कानून की पालना सरकार नहीं करा पा रही है तो ये उसकी कमजोरी है, पुलिस के प्रशासन की कमजोरी है, जिला प्रशासन की कमजोरी है, उसकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए इनको। ठीक है, ठीक है। आज आप जैसे कि राजेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर कानून बना हुआ है और कानून को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, उसकी पालना नहीं किया जा सकती है, तो इसमें सरकार भी दोषी है और पुलिस प्रशासन भी दोषी है कि वो इसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकता है। आप क्योंकि शील जी एक महिला है और क्योंकि बाल विवाह में इसके पीछे एक सामाजिक सोच भी होती है, कई बार परिवार या माता पिता अपनी बेटियों की शादी इसलिए करा देते हैं कि उनके ऊपर कोई बुरी नजर न डाले, और उनके ऊपर कई बार आर्थिक रूप से बोझ भी होता है जिसके पीछे वो चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी जल्दी हो जाए। तो इस सामाजिक सोच को बदलने के लिए क्या सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर लेवल पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अधिकतर बाल विवाह ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, तो सबसे पहले जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वहां का पंच सरपंच का होता है, उसके बाद जिला परिषद का होता है, पंचायत समिति का होता है और आगे प्रशासन का भी होता है। अगर ये कड़ी एक जुड़कर काम करें तो मैं समझती हूं इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। जब आप जितनी भी पार्टियां हैं, जब इलेक्शन होता है तो कोई कमिटमेंट उनमें दिखने पड़ते हैं कि आपकी शिक्षा जरूरी है, आपको 10वीं पास होना जरूरी है या आपको अपने आय का विवरण देना होता है। तो इसी प्रकार में एक लाइन ये भी ऐड हो जानी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर कोई सामाजिक कुरीति अगर वहां पर आकार ले रही है, सामाजिक कुरीति का वहां पर प्रभाव है, तो अगर आप निष्प्रभावी रहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी होगी, आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं समझती हूं कि लोगों में थोड़ा एक भय होगा, चुनाव लड़ने के भय से लोग अब 10वीं पास करने लगे हैं, तो इसी तरह से अगर ये एक दंड के तौर पर भी लिया जाए या समझाइश के तौर पर भी लिया जाए, किसी भी कर लिया जाए, मैं समझती हूं निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बात दूसरी है कि सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इस तरह के विवाह पर एक योजना की है कि वो उनमें 50,000 लाख या पर जोड़े दिए जाते हैं, तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ये जानकारी निश्चित तौर पर पंच की ड्यूटी होती है, जो वहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, पंचायत समिति की जिम्मेदारी है ये कि वो इसकी सूचना रखे और ऊपर लेवल तक पहुंचाए और उनको ये समझाइश भी करे कि आपको आर्थिक तंगी की वजह से बाल विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझती हूं कि एक बोर्ड लगा रहना चाहिए हर गांव के बाहर कि अगर आप इस तरह के बाल विवाह करते हैं तो इसको ना करें और सरकार की तरफ से आपको इतनी आर्थिक सहायता मिल जाएगी।
तो मैं समझती हूँ निश्चित तौर पर ये बुराइयां इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। आज तक कोई भी चीज असंभव नहीं है, बड़ी बड़ी क्रूतियां थी, बड़े बड़े लोग बाहर निकल के आए, प्रशासन भी सक्रिय हुआ और उन पर नियंत्रण हुआ। जी बिल्कुल विमल जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, जैसा कि शील जी कह रही हैं और सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन अगर सामाजिक सोच की अगर हम बात करें तो कई बार, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सवाल में पूछा कि कई बार अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए और आर्थिक बोझ की वजह से भी कई बार गांव के लोग अपनी बच्चियों का बाल विवाह करा देते हैं, तो एक काउंसलिंग करने की जरूरत यहां पर होती है और सहायता भी उस परिवार को देने की जरूरत होती है। सिर्फ दंड ही देना काफी नहीं होता है क्योंकि एक सामाजिक बुराई है और ऐसे में पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाली बात होती है, तो क्या काउंसलिंग के लिए भी कोई कदम उठा सकती है सरकार? निश्चित रूप से कोई सी भी सरकार हो, जो मैंने आपको कहा कि ये व्यवस्था उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं या करने वाले होते हैं। स्थिति ये होती है कि हम अपना ज्ञान तो दूसरों को दे देते हैं, लेकिन वहां क्या व्यवस्था करनी चाहिए, बीट अधिकारी होता है, सीएलजी मेंबर्स होते हैं, केवल सीएलजी मेंबर्स इसी बात के लिए होते हैं कि जाके मीटिंग में जाके चाय समोसा खा के आ जाए? उनकी क्यों नहीं जिम्मेदारी होती है, क्यों नहीं उनको हटाया जाता अगर वो सूचना नहीं देते हैं, उसके बाद क्यों बने रहते हैं? दूसरी बात, मैं आपके टीवी पर बार बार लगातार देख रहा हूं ज्ञान जी आहूजा साहब को, वो कितना अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, उनके बयान देखिए आप, बार बार भड़काऊ बयान देते रहे हैं वो अमित शाह राजस्थान के अंदर। वो आज कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां चली जाए, अरे चार महीने में हम चले जाए? आप क्या कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दी पार्टी में, तो जयपुर में सामान्य में आते हैं, आप बार बार उनको टीवी पर दिखा रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो उनको रोकिए इस तरह के बात करने से, वो गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं यहाँ पर। आप हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, सिर्फ दवाई जी से भी रिक्वेस्ट है, मैं भी कह रहा हूँ, हम दोनों की सरकार है, मिलके चाहे इनकी रहे चाहे हमारी रहे, इस दिशा के अंदर कदम उठाना चाहिए। सरकार तो भाई हमारी भी है, देखो ऐसे मत करो यार, सरकार तो हमारी भी है, सबकी है भाई, यही तो कह रहा हूँ ना भाई, सरकार किसी की भी हो, जनता की सरकार होती है, जो जनता जिसको चुनी है, लेकिन वहां पर हमको मिलकर काम करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं करें। बार बार आपको यही तो सवाल है कि सरकारें काम क्यों नहीं कर पाती हैं, बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, कठोर दंड दिया जाता है, होनी चाहिए दंड होना चाहिए, जो अधिकारी में रोल होता है उस अधिकारी को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, आप ऐसा काम होगा। देखिए के पास चलते हैं जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देश का कानून ये है, अगर कोई अपराध हो रहा है उसको आप देख रहे हैं और उससे संबंधित आपके पास कोई सूचना है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएं, और जो वहां पे पंच है, सरपंच है, पार्षद है, एक्स है, वाई है, जेड है, समाज सेवा है, एनजीओ है, वो क्यों नहीं पहुंचाते? अगर नहीं पहुंचाते तो वो कानून का, देखिए मैं ही कह रहा हूं, चाहिए की बात छोड़ दीजिए आप, कानून यह है, यह काम आपको करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी अभी आपने देखा इलेक्शन अर्जेंट, इलेक्शन अर्जेंट के नाम पे सारे अधिकारी जिनको आप निष्क्रिय कहते हैं वो सक्रिय कैसे हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि आपका कमिटमेंट होता है उस काम के लिए, इसका मतलब सरकारों का कमिटमेंट नहीं है। अब सवाल ये आ रहा है कमिटमेंट कैसे हो? अब देखिए दो तरह की बात है, एक तो होती है कानून में अकाउंटेबिलिटी, अगर उसमें यह जोड़ दिया जाए पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही आपकी होगी, तो आप देखिए व्यक्तिगत जवाबदेही कैसी होगी इलेक्शन अर्जेंट की तरह, आप वहां पर ट्रेन लेने के लिए क्यों नहीं आए, अगर नहीं आए तो आपको सस्पेंड किया जाता है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना, खाली कागजों में रखोगे तो कुछ नहीं होगा, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। देखिए बातें क्या होती हैं, अधिकारी जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, या कर्मचारी तो क्या होते हैं, पब्लिक के सर्वेंट होते हैं, और हमारे यहां दुर्भाग्य क्या, उनको पब्लिक का मालिक बना लिया गया। अरे भाई उनको सर्वेंट की तरह व्यवहार करिए ना, कि आपकी ड्यूटी थी या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने क्यों नहीं किया? तो सवाल है कि क्यों नहीं किया, इसलिए कानून ये कहता है ऐसा ऐसा आपका अगेंस्ट में होना चाहिए और वो करना चाहिए, कोई नई बात मत करिए, केवल ये बात करिए। और बात ये कि आपका कमिटमेंट जो है, अब कमिटमेंट किसका होगा मुझे बताइए आप, अल्टतः कमिटमेंट होगा इस विभाग के मंत्री का, इस विभाग के डायरेक्टर सेक्रेटरी जो भी आप कहें उनका, तो सवाल है उनका कमिटमेंट क्यों नहीं हो, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होगी? अभी आपने कहा साहब जो आपका सामान्य श्रेणी के जो पुलिस अधिकारी पुलिस वाले हैं उनको भी होना चाहिए, अरे भाई जो आईएएस अधिकारी उनको क्यों नहीं होना चाहिए? मैं शील जी का रुख करना चाहूंगी, शील जी बाल विवाह
कि पीछे एक सामाजिक सोच होती है, जैसा कि सब कह रहे हैं कि इसके लिए दंड भी दिया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि राजेंद्र जी कह रहे थे कि पुलिस विभाग में इतने लोग नहीं होते हैं कि हर जगह जगह जाप करके उस काम को किया जा सके। चुनाव भी था, चुनाव में भी पुलिस लगी हुई थी, इस वजह से ज्यादा जहां बाल विवाह हो रहे थे वहां नहीं जा पाते थे। ये एक बड़ा मुद्दा भी, एक बड़ा विषय भी है कि कई बार पुलिस मजबूर होती है, नहीं कर पाती है और उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उनका संख्या बल कम होता है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो क्या गवर्नमेंट इसके लिए भी आगे कदम उठाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जितने पुलिस वाले हैं उनका सही तरीके से उनको जो उस समय बाल विवाह हो रहा होता है वहां पे नेता होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी पूर्व वर्तमान होते हैं, उन्हीं पर तो कार्रवाई कर लो कम से कम। उन नेताओं में क्यों नहीं, अपना नेता का नाम आता है आप कार्रवाई नहीं करोगे? अरे भाई वो सामान्य आदमी है, उनका आपने वीआईपी कैसे बना रखा है? सॉरी, देखिए मनीषा जी, जहां तक मैं बताऊं कि जो ये आखा तीज का जो बाल विवाह होता है ये साल में एक बार आता है, तो ये पुलिस का हम बहाना नहीं कर सकते कि पुलिस की संख्या बल कम है, क्योंकि स्पेशल ओकेजन पर पुलिस बल वहां पर लगाया जा सकता है। जब हम दिवाली पर लगाते हैं, हम ईद पर लगाते हैं, होली पर लगाते हैं, तो ये कई बार पुलिस है, और जब कई जगह पर एक साथ जरूरत पड़ जाती है तो वो सही चीज सही ढंग से चीजों को बढ़ा नहीं कर पाते। मनीषा जी, मैंने कहा ना ये स्पेशल ओकेजन है, तो इसका हो सकता है होना भी है, हमारे सरकार में भी हुए, बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिल्कुल यहाँ पर कमी है, बिल्कुल ये बिल्कुल होना चाहिए। खाली कमी बताने से कुछ, पॉलिटिकल पार्टी का पन्ना प्रमुख भी देखिए, हमारा जहाँ तक हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारे राजनीति के साथ ये सामाजिक सरोकार भी रखती है, लोगों का बीमा पॉलिसी वो करवाती है और उनकी मेडिकल की भी तैयारी करवाती है। हमारे जो दोनों हमारे नहीं देखे, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका सामाजिक सरोकार कितना वो राजनीति से रखती है, बात सुननी ही नहीं। अरे आदरणीय मैं कह रहा हूँ, ये शर्म की बात है कि कुरुति होने के बावजूद, धार धार के बोलने के बावजूद, दोनों बड़ी पार्टियां जो एंजॉय कर रही हैं सत्ता को, उनके यहाँ पर बाल विवाह निषेध संबंधा सेल या समिति नहीं है। अब आप मुझे बताइए कितना रेस्पॉन्सिबल, आप कितने अकाउंटेबल है, कितने संवेदनशील है? मैं कह रहा हूँ पन्ना प्रमुख को इस दायित्व क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? आप तो राष्ट्रवादी है, समाजवादी है, समाज के लिए काम करने वाले, और यही काम कांग्रेस पर वो कर रहे हैं। देखिए सिर्फ यही नहीं है, हमारे पार्टी के पन्ना प्रमुख या बूथ प्रमुख या जितने भी पदाधिकारी है, वो हर ऐसा कार्यक्रम सामाजिक सरोकार से करते हैं, वो वहाँ पर एक्टिव रहते हैं, कार्यकर्ता ऐसे है, दोनों राजेंद्र जी बैठे, ये बता रहे दल के कार्यकर्ता जाते हैं। राजन जी, जैसा कि मैं इससे पहले शील जी से भी सवाल पूछ रही थी कि रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होता पुलिस में, लेकिन आपसे भी एक सवाल है कि जैसा कि खबरें भी आई हैं कि पुलिस को कई बार सूचना दी गई बाल विवाह हो रहा है, लेकिन ना पुलिस पहुंची ना प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, तो ऐसे मामलों में अगर पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या पुलिस के लिए भी कोई दंड होता है? नहीं मनीषा जी, निश्चित रूप से होता है। ये राजनीतिक दलों को जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि किसी ने सूचना दी है पुलिस स्टेशन पर कि इस तरह से बाल विवाह हो रहा है, और अगर वहां के पुलिस कर्मचारी उस बाल विवाह को रोकने की कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई प्रिवेंशन की कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वो कानूनी अपराध है, उसको रोकना चाहिए। अगर वो अच्छा सीनियर पूरा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा पुलिस का, वहां पे डीवाईएसपी बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, आईजी बैठते हैं, डीजी बैठते हैं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कोई अगर एक कर्मचारी काम नहीं करे तो उसकी शिकायत हो सकती है, उसको जागरूक भी किया जा सकता है, उसको दंडित भी किया जा सकता है, पर करता कौन है? राजनेता तो अपने वोटों के चक्कर में रहते हैं, चाहे दोनों पार्टियां वो देखती है भाई हम क्यों बुरे बने, और ये जो हम क्यों बुरे बने इसी से तो ये पूरी की पूरी सामाजिक बुराई है वो बढ़ती जा रही है। ये काम तो पुलिस का है, पुलिस करे, हमारे तो वोट खराब हो जाएंगे। पंच ये सोचता है कि मैं अगर सूचना दे दूंगा कल को किसी तरह से पता लगेगी तो मेरे वोट खराब हो जाएंगे। जातिवाद भयंकर है हर तरह से, राजनीतिक रूप से इतना मैं समझता हूं कि व्यवस्था हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ वोटों की चिंता है,
सामाजिक बुराइयों की उनको चिंता ही नहीं है, और अगर वो समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्था उसका उपयोग करना चाहे तो उनको रोकता कौन है? कोई नहीं रोकता। और अगर इस प्रशासनिक व्यवस्था का उनके हाथ में ही पूरा, अगर वो पूरे सीरियस हो जाए और अगर चीफ मिनिस्टर मीटिंग बुलावे, समाज कल्याण मंत्री की मीटिंग बुलावे, जो सेक्रेटरी है उनको बुलावे, डीजी को बुलावे, सारे आईजीओं को इकट्ठा करे, एसपीओ को इकट्ठा करे और कहते भैया मेरे राज के अंदर एक भी बाल विवाह हो गया तो मैं आप एसपीओ को छोड़ूंगा नहीं, कलेक्टरों को छोड़ूंगा नहीं, उसके बाद देखो देखे एक भी बाल विवाह हो जाए क्या जी? पर वो कमिटमेंट नहीं तो सरकारों का है। आपकी बात क्या? विमल जी, विमल जी, तो सरकारों जी, का है। जी, सवाल विमल जी, आपकी कमेंट है, पुलिस आपके अधीन आती है लेकिन इस पुलिस वक्त पर नहीं पहुंचती है तो क्या कदम सरकार उठाती है ऐसे में? सरकार को अगर इसके कमिटमेंट ही नहीं है सरकार, मैं आपसे बात क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हैं। सवाल यह है कि अभी अभी पर्दा प्रथा जैसी भयंकर बुराई के लिए बोर प्राप्त करने के लिए मानवेंद्र सिंह की पत्नी की पर्दा लगाकर आई, किसने को प्रश्न किया गया? क्यों नहीं किया? जब ऐसे एग्जाम्पल आप देते हैं, अगर पर्दा प्रथा अच्छा है तो बाल विवाह बुरा कैसे है? वही मानवेंद्र सिंह जी बाल विवाह के बारे में क्या कह सकते हैं? नैतिक रूप से जो है वो ये काम कर चुके हैं, पर्दा प्रथा का समर्थन कर चुके हैं वोट प्राप्त करने के लिए। और अब आप सवाल आ रहा है, ऐसी बातें आप नहीं करेंगे? चाहिए 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 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कानून है उसकी पालना नहीं करेगा उसको दंड होगा, बिल्कुल ये तो दंड। मनीषा जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो भी कानून का उल्लंघन करता है चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, जाति का हो, अधिकारी हो, नेता हो, उसको। अच्छा विमल जी, विमल जी, आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, वो सबको पता है कि बाल विवाह है तो उसके लिए दंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है? आप मुझे आपको बता दीजिए कि पिछले कुछ वक्त से जब से आपकी गवर्नमेंट है, मैं शील जी से भी सवाल पूछूंगी, जब से आपकी गवर्नमेंट है कितने बाल विवाह रुकवाए हैं आपने? देखिए पहली बार ये आया है आखा तीज, अभी 6 तारीख को 2 दिन पहले गई है, यहाँ जो होगा उसके अनुसार अगर शिकायत होगी तो निश्चित रूप से उनको दंड मिलेगा। जो आप मुझे आंकड़े बता दीजिए ना, जब से आपकी गवर्नमेंट है कितने बाल विवाह रुकवाए हैं आपने, आपकी गवर्नमेंट ने? अभी तो हमारे वहाँ बाल विवाह हुई नहीं, आखा तीज पे बाल विवाह होते हैं राजस्थान में, इससे पहले भी कोई बाल विवाह नहीं हुआ। जो आखा तीज पर सबसे ज्यादा होते हैं, कितने बाल विवाह रुकवाए हैं आपने, आंकड़े बता दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ भी किस तरह का कोई भी आंकड़ा नहीं है मेरे पास। अब एक आंकड़ा ये चीज है कि आपने बाल विवाह रुकवाए नहीं, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं। शिव जी, इससे पहले आपकी गवर्नमेंट ने कितने बाल विवाह रुकवाए हैं आप मुझे आंकड़े बता दीजिए। एक रेलेवेंट बात सुन लीजिए, प्रशासनिक अधिकारी को बाल विवाह रोकने के लिए, लेकिन हमारी सरकार हमेशा बहुत प्रयासरत रही और हमारे कमिटमेंट किया था, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो एमएलए हैं, प्रधान है, सरपंच है, सबको स्पेशली ताकीद कर रखा था। आपकी खाना भी टाइम हो चुका है, अभी कैसे लिखे आपके पास तो आंकड़े नहीं है, शील जी को जवाब देने दीजिए। शील जी देखिए, अभी टाइम हो गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, अभी आंकड़े एग्जैक्ट आंकड़े मैं दे नहीं सकती, झूठ बोल नहीं सकती, तो जो भी है लेकिन प्रयास हमारी सामने ये चीज है। बड़ी पहली दिक्कत पार्टी एक सत्ता में एक सत्ता का भोग कर चुकी है और दोनों के पास आंकड़ा नहीं, कितने आंकड़ा नहीं है। कौन पुलिस अधिकारी है कि आपके पास कोई आंकड़े हैं, कितने बाल विवाह को आ गए हैं पिछले कुछ सालों में? नहीं, समय तो कोई आंकड़े लेके नहीं आए, आप बताते तो ले आते आंकड़े, और पर आंकड़े तो आपके एनसीआरबी में, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में मिलेंगे, वहां पे कितने केस दर्ज हुए पूरे राजस्थान में, वो उनके आंकड़े लेके आ सकते। आदरणीय रुकवा देने पर केस दर्ज नहीं होता, रुकवा देते तो केस दर्ज नहीं होता। रुकवा की बात है, कानून समझा इसके आधार पर कितने रुकवा है, ये तो आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, कितनों को दंडित किया गया, दंडित करने का आंकड़े हुए वो तो अलग बात हो गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जब ये कह रहे चाहिए तो करना किसको चाहिए, पूछे ना इनसे, आप ही सत्ता में रहेगा, आप ही सत्ता में चाहिए किसको, प्रशासन दे किससे नियंत्रण में, मुझे बताइए सही है, इस बात का जवाब दीजिए ना। सवाल ये, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जवाब दे ही हो और पर्सनल जवाब दे ही हो, कानून में जो कुछ लिखा हुआ है अगर आपने देखा है, महसूस किया है, सूचना नहीं दी है तो अपराधी है, पर ले जाइए उसको अपराध के अपराधी के अनुसार, आरोपी बनाइए उसको, लेकिन आप नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वोटों की चिंता है, पंच की चिंता है, सरपंच की चिंता है। अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं ना, प्रशासनिक अधिकारियों की बाल विवाह हुआ, उसके बाद में दूसरा अपराध और किया, दूसरा विवाह कर लिया जो नहीं कर सकते, कितने प्रशासनिक अधिकारी जिन पर आपने कार्रवाई करी है?
मुझे बताइए इसके आंकड़े बताइए। ये तो है ना, आप बुराइयों को प्रोत्साहित कर रहे हो, बुराइयों को छुपा रहे हो, बुराइयों के सामने धूझ रहे हो, वोटों की चिंता कर रहे हो, तो आप क्या बात कर रहे हो। मैंने कितना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, प्रजा प्रथा की कुरूति के लिए वोट प्राप्त करने के लिए पर्दा लगाकर आदरणीय मानवेंद्र सिंह की पत्नी जी आई, अब क्या कर लिया आपने। अगर ऐसा है तो मानवेंद्र सिंह जी को एक्सेप्शन है क्या लॉ में, एक्सेप्शन है क्या। मैं दंड की बात ही नहीं कर रहा, मैं दंड की बात ही नहीं कर रहा। मनीषा जी ये बार बार सरकार घूंघट को क्या कहना चाह रहे हैं आप शील जी। ये हम देखिए जिम्मेदारी हम सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि पांच सरपंच या प्रशासन पर भी नहीं पर ही नहीं डाल सकते। आज हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, उस पड़ोसी की जिम्मेदारी है जो जिसके घर में जिसके पड़ोस में शादी हो गई है, परिवार के उस सदस्य की भी जिम्मेदारी है, उन रिश्तेदारों का भी जिम्मेदारी है कि वो जिस तरह से जिम्मेदारी है नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तो आप सामने तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आखिर सरकार जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है तो है ही है, लेकिन इस कुप्रथा को जब तक सामूहिक रूप से संयुक्त रूप से एकजुट होकर इसका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक यही तो सवाल है कि एकजुट कौन होगा, कैसे होगा, जो पुराने परंपरागत घर है जहां रूढ़िवादिता है आपको ये चीजें सदियों से चली आ रही है कैसे होगी। सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने हर नागरिक को अपने कमांड करना होगा, एक भारतीय का परिचय देना होगा, एक हमारी संस्कृति को सबको पता है। लेकिन उसके लिए सोल्यूशन क्या है, क्या समाधान है? सेल कहाँ से बढ़ाएंगे अब तो कांग्रेस वालों से पूछो। अरे कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी आप कैसी बातें कर रहे हैं आज, आप सरकार से पूछो, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से बात करेंगे, सेल बढ़ाएंगे बताएंगे, ये कहाँ से बताएंगे, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, संगत चर्चा हुई है बताइए। जो भी नहीं आ रही है आपके, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव भेजूंगा कि इस प्रकार की मांग उठी और बहुत बढ़िया होगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं इस तरह का लेटर लिखकर निवेदन करूंगा कि इस तरह का सेल होना चाहिए और आने वाले 31 जो भी आखा तीज आएगी या और भी इस तरह के बाल विवाह होंगे, पीपल पुण्य पर भी होता है, पीपल पुण्य पर भी होता है, जो भी होता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री, ये तो हमें चाहिए होता है, आप भी बात होता है, बस ये कहिए कि आखा तीज में ज्यादा होता है। अरे सर पॉलिटिकल पार्टी को कह रहा हूँ, आपका दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी, क्या बात कर रहे हो आप, सेल तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहा हूँ वो बनाए थे, आप बोलिए ढंग से, ये क्या कह रहा है आपसे, इतनी ज्यादा बकवास करता है, आपस में मत लड़िए, बकवास करता है जनाब, प्लीज प्लीज आप दोनों आपस में मत लड़िए, हम यहाँ पे कुर्सी के लिए डिस्कशन रखे हैं, आप प्लीज आपस में मत लड़िए। विमल जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके पास आंकड़े नहीं है, राजेंद्र जी के पास भी आंकड़े नहीं, शील जी के पास भी आंकड़े नहीं है, क्या लगता है आपको कोई बार बार रुकवाया भी गया है? देखिए मैं आपको बताऊं मनीषा जी, हम इस प्रकार की कोई तैयारी करके नहीं आए थे, अगर यह होता कि वहां पे आंकड़े देने तो निश्चित करता, जैसा कि मैंने यहां निवेदन किया आपसे, मैं नहीं पूछ रही हूं कि क्या रुकवाए हैं बाल विवाह, निवेदन करेंगे, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी भी अपना यहाँ, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि ये कोई इस तरह का कोई प्रकोष्ठ बनाएंगे, चहल बनाएंगे, जिसका काम यही होगा कि वो गांव गांव में जाकर इस प्रकार की सूचना लाकर पुलिस प्रशासन को दे या कलेक्टर साहब को दे, तभी यह काम होगा। केवल ये मेरे कहने से या नहीं होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, उनको इसलिए अपना एक सेल बनाना पड़ेगा। आप बनाते हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ, बनाते हैं फलाना प्रकोष्ठ, बनाते हैं, तो बाल विवाह रोकने के लिए भी एक प्रकोष्ठ हर पार्टी को बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूं। वेरी गुड। तो विमल जी ये भी बता दीजिए कि कब तक ये प्रकोष्ठ बन जाएगा? मैंने कहा अब जैसे ही सरकार भी आचार संहिता 23 तारीख के बाद खत्म होगी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए चिट्ठी लिखूंगा, और जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी का मैं जिला प्रभारी हूं,
और कहीं बने नहीं बने, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में इस प्रकार का प्रकोष्ठ बनेगा, गारंटी दे रहा हूं। और आपको रेफरेंस देना चाहिए कि वहां पे इस तरह की डिस्कशन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप प्रकोष्ठ बनवाएंगे और बाल विवाह को रुकवाएंगे, हम आशा करते हैं कि आप आगे कोई एक्सक्यूज ना दें और सच में ये प्रकोष्ठ बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विमल यादव। हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए थे शीलदा भाई जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई थी राजेंद्र सिंह शेखावत पूर्व पुलिस अधिकारी, और मानचंद खंडेला जी विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सदियों से घर के भीतर एक युद्ध चलता है, बाल विवाह विकास की राह में बाधक भी बनता है, एक सामाजिक बुराई भी है। सबको पता है, सभी ये भी कह रहे हैं कि हाँ बुराई है, अभिशाप है, इसे रोकना चाहिए, लेकिन रुकेगा कैसे, क्या होगा, क्या प्रकोष्ठ बन पाएगा, क्योंकि दोनों सत्ताधारी पार्टियों और पूर्व पुलिस अधिकारी, हमने इनसे पूछा कि इतने बाल विवाह रुकवाए, कोई आंकड़े हैं तो कोई आंकड़े उनके पास नहीं नजर आए। और पहले भी जब पूछा गया कि क्या रुकवाए जा रहे हैं बाल विवाह, क्यों नहीं ये लाइमलाइट में आते हैं, सरकार तक जब पहुंचता है, जब प्रशासन तक पहुंचता है, जब पुलिस वालों को बताया जाता है कि बाल विवाह हो रहा है तो वो रुकवाने नहीं आते हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं और इन पर सिर्फ एक्सक्यूज या फिर अनभिज्ञता का पर्दा डालकर इन चीजों को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि आज भी ये कुरीति 21वीं सदी में भी हमारे समाज में व्याप्त है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब बने रहिए समाचार प्लस के साथ।